तो गाइस आज नाना ने व्लॉग को स्टार्ट किया है, तो गुड मॉर्निंग सारे नु जी आया नु। और आज हम जा रहे हैं फार्म में और आज हम डेकोरेट करेंगे जो घर के आसपास का एरिया है, उसमें हम घास लगाएंगे। तो आन भी अभी अपने बालों को ठीक कर रही है, तो लीजिए। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घास खरीदने के लिए घर के लिए। मैं जा रहा हूँ माता जी के साथ और फादर जी के साथ, और साथ में हैं हमारे हैनी। हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आन गई है नाना को लेके बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, मौसम अभी बाहर का जो मौसम है क्लाउडी हो गया है दोस्तों, बारिश आने के चांसेस हैं, देखते हैं क्या होता है। बादल कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, चलिए चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। गाइस हमने जो है घास ले लिया है, अभी हम कुछ और पौधे देख रहे हैं। देखिए पीछे जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने ये वाला पेड़ और दो ये पौधे और लिए हैं अभी फार्म के लिए। अभी हम जाएंगे फार्म में और घास लगाएंगे फिर घर के चारों तरफ, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। गाइस इस एरिया में अभी पानी डाल दिया है और ग्रास पे भी पानी डाल दिया, क्योंकि ग्रास जो है सूखा था, तो इसको थोड़ा सा नमी देने के लिए पानी से थोड़ा खिल जाएगा। उसके बाद फिर इसको इस एरिया में लगाएंगे। कुछ ग्रास यहाँ रखा हुआ है और कुछ पीछे की तरफ रखा हुआ है, उधर भी पानी डाल दिया है। तो अभी मैं लंच करने जा रहा हूँ, लंच के बाद फिर यहाँ पर लगाएंगे ग्रास। लंच कर लिया गाइस, अभी हम लगा रहे हैं खाद, ऑर्गेनिक खाद जो है ये डाल रहे हैं। और हैनी कैमरा मैन है अभी, और ये देखिए यहाँ लगाएंगे आज घास। ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ तक लगा दिए, बाकी और मैं लगा रहा हूँ अभी धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों ये लगाए जा रहे हैं घास आज। अब ये पूरा हरा भरा हो जाएगा ये वाला एरिया, और बहुत सुंदर लगेगा यहाँ पे बैठ के हैं नाना के साथ, हम मस्ती करेंगे फिर बैठ के यहाँ पे। देखिए गाइस यहाँ दे रहे हैं हम पानी, और मौसम बड़ा अच्छा है, 4:30 बजे के आसपास टाइम हो चुका है। यहाँ पानी दे रहे हैं अभी, फिर लगाएंगे यहाँ पे ग्रास। हैनी हेल्प कर रही है वीडियो रिकॉर्डिंग करने में, शी हेल्पिंग मी टू रिकॉर्ड द वीडियो। गाइस इस एरिया में खाद डाल दी है, अभी मैं ये ग्रास जो घास है इसके पैचेस लगाना स्टार्ट करूंगा, फिर इस पूरे एरिया में यहाँ पे ग्रास लगाएंगे आज। और पॉसिबल हुआ यदि ग्रास बचा गाइस, यदि जो ग्रास के पैचेस बचे हमारे पास तो हम इस एरिया में भी लगाएंगे, बट मुझे लगता नहीं कि पैचेस बचेंगे। ये एरिया लगाना है, इस एरिया को भी पूरा डेकोरेट करना है, बट देखते हैं यहाँ लगा पाते हैं नहीं लगा पाते। देखिए दोस्तों यहाँ लगा दिया है ग्रास, अभी काम चल रहा है, अभी और भी लगा रहे हैं धीरे धीरे, इधर भी लगाना है। गाइस चलिए आपको मैं दिखाता हूँ जो ग्रास अभी लगाया है वो कैसा लगा है, चलिए।
ये देखिए यहाँ से लगाया है हमने, ये पूरा एरिया कवर कर दिया है सारा ये। और अभी कुछ जो ग्रास है पेंडिंग है, और यहाँ पे भी लगाया, देखिए गाइस ये पूरी जो पीछे का जो एरिया सारा ग्रास से कवर कर दिया है, और कुछ जो ग्रास अभी पेंडिंग है ये हम कल उस एरिया में लगाएंगे। आपको दिखाता हूँ किधर लगाना है। ये हवा तेज चल रही है गाइस, बट बारिश अभी तक नहीं आई है, देखो आएगी नहीं आएगी, बट मौसम अच्छा है, ठंडा मौसम है। ये देखिए गाइस, गाइस देखिए कितना ब्यूटीफुल सनसेट है। अभी हम जा रहे हैं घर पे गाइस, वहां से माता जी और फादर साहब के कपड़े उठाएंगे और फिर जाएंगे स्कूल में, स्कूल से बच्चों को पिकअप करेंगे, फिर जाएंगे फार्म के अंदर, क्योंकि आज नाना जो है बैडमिंटन नहीं जा रहा, वो रेस्ट कर रहा है। तो चलिए गाइस बने रहिए वीडियो में एंड तक, और लेट्स गो गाइस। हैनी नाना आ गए हैं, दोनों मस्ती कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं फार्म में गाइस। हैनी मेरी टीचर है और ये मुझे थाई सिखाती है, तो हैनी मुझसे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि मैं थाई नहीं सीख रहा हूँ जिस तरीके से सीखनी चाहिए, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। अभी हैनी मुझ पर गुस्सा कर रही थी, व्हाई यू डोंट लर्न थाई। गाइस फादर को बोलते हैं थाई में तो, एंड माता जी को बोलते हैं मैं, ये दो वर्ड मैंने सीखे हैं। और थाई में किसी को नमस्ते या सत श्री अकाल बोलना हो तो बोलते हैं, लड़का बोलेगा स्वाति खा, और लड़की होगी तो बोलेगी स्वाति खा। तो मैं धीरे धीरे थोड़ी थाई सीख रहा हूँ आजकल, तो हैनी मेरी टीचर बनी हुई है, वही मुझे सिखाती है, तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए ये। तो चलिए गाइस अभी हम ऑन द वे हैं। गाइस देखिए हैनी नाना के टेबल चेयर आ चुके हैं दोनों के, और दोनों बहुत खुश हैं जो हमने होम प्रो से लिए थे। ये नाना का है टेबल एंड चेयर, ये है हैनी के टेबल एंड चेयर। गाइस आज मैंने इस एरिया में ग्रास लगाया है, पर ग्रास जो है ख़त्म हो गया था तो कुछ ही लग पाया है, आधा थोड़ा सा एरिया जो है अभी बच गया है, तो इसमें कल हम ग्रास खरीदेंगे और फिर इस पूरे एरिया को कवर कर देंगे, और यहाँ पे जो है स्टेयर्स बनाएंगे। अभी ये एरिया पेंडिंग है अभी। और गाइस देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ रेस्टोरेंट का कितना काम चल रहा है, वो कैसा कहाँ तक पहुँचा है, अर्न भी देख रही है अभी। ये देखिए दोस्तों छत का काम चल रहा है अभी, ये देखिए। इस तरफ जो है छत लग गई, देखिए आप। और इधर बन रहा है वॉशरूम गाइस, धीरे धीरे समाप्ति की ओर है जो काम है। गाइस आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।